So welcome everyone, welcome to Sadhava classes. Today we are going to take your lesson known as Dick Whittington and his cat. Dick Whittington is cat. This is a textbook of standard 8 English medium English Bal Bharati. Standard 8 English medium English Bal Bharati. It's a textbook. So I'll read and explain. Whenever you want any explanation, please ask me, sir. Ye nahi samjha, wo nahi samjha. Please ask me at the same time. Ya fir baad mein puchho, kuch problem nahi hai. But I think you should pay attention and some questions, ask some questions if you want. There was a poor boy known as Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. He had no proper home, but for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers, right? इधर तक समझे, एक छोटा बच्चा रहता है, उसका नाम होता है डिक विटिंगटन, उसको घर नहीं होता, उसके मम्मी पापा भी नहीं होते हैं. तो ये इंग्लैंड की स्टोरी है एंड सब उसके जो गांव के लोग हैं उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं. सो वन डे डिक ओवरहर्ड समवन से दैट द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन वेयर पेव्ड विद गोल्ड एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर एट वंस एंड पिक हिज फॉर्चून अप इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली सो इफ ही वेयर रिच. तो उसने सोचा कि चलो भाई, हम उसने उस तरह बाट लगे, चलो अपन जाऊँ, हम जाएंगे. कोई तो बोला उसे कि भाई तू लंदन में जा, मतलब लंदन सिटी है, वहाँ पे जा, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें मिलेगी, फिर सोना मिलेगा, ऐसा कुछ चल रहा था. सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन. ही हैड नॉट गॉन फॉर व्हेन अ मैन इन अ कार्ट स्टॉप्ड एंड आस्क्ड हिम इफ ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द होम. आई हैव नो होम, डिक आंसर्ड, आई एम ऑन माई वे टू लंदन to find my fortune, right? I'm going to London myself, said the carter. Jump up here beside me and we will journey together. To ja raha tha, ek aadmi ne pucha, kya re bhai, tu ghar se bhag raha hai? Nahi nahi, main ghar se bhag nahi raha hu, mujhe ghar hi nahi hai, main ja raha hu London mein mera fortune dhoondne. Okay, mera fortune dhoondne main ja raha hu. Theek hai, main bhi London mein ja raha hu, chal baith, dono saath mein jayenge, apan dono saath sobar jaoge, aisa nahi matlab. देन मैं, मुझे लगता नहीं कि आपको ट्रांसलेशन की जरूरत है, बट स्टिल इफ अच्छा होता थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करना. दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल एंड कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन. पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन द डिसमे. वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड. अरे किधर है सोना, मैं तो सोना ढूंढ रहा हूँ. वो आदमी तो चला गया उसको छोड़ के. ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल. ये सब पुरानी बात है, अभी इतना डर्टी स्ट्रीट्स आपको नहीं मिलेंगे इंग्लैंड में. He had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. तो बेचारा ऐसे रस्ते सो गया, देख रहा था सोना भी था, कुछ तो मिल नहीं रहा. वो जो आदमी था वो तो चला गया था अपने इन में. इन मुझे क्या, छोटा सा एक विश्राम गृह बनता बंदला. द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री. ही वंडर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम. Go away, you lazy fellow. Be off with you, and aimed angry blows at his head. At last, he collapsed in the street and lay there two weeks, to look further for food. तो उसको भूख भी लगी थी, लोग उसको भगा रहे थे, अरे इधर मत आ, उधर मत जाओ. वो भेक मांग रहा था लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा था, right? वो ऐसे बेचारा गिर के, उसको ताकत भी नहीं थी, कुछ नहीं था उसके पास. सो बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्ज़वॉरेन. द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे व्हेन मिस्टर फिट्ज़वॉरेन रिटर्न्ड होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स, राइट. ही स्टूड स्टॉप्ड एंड सेड द डिक, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड, राइट. तो वो एक घर के आगे जाके वो बेचारा गिर गया था, तो वहाँ पे उसका जो कुक था वो उसको भगा रहा था. उस वक्त वो डिक आ गए, उन्होंने पूछा तुझे काम, तुझे भूख, पैसा, खाना चाहिए तो काम कर मेरे लिए, राइट. सो वर्क करो इफ यू वांट फूड. आई वुड वर्क, सेड द डिक, बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू. मैं काम कर सकता हूँ, मुझे काम करने के कोई काम मुझे देगा, मुझे यहाँ पे मैं किसी को नहीं पहचानता, तो मुझे कोई काम देगा तो अच्छी बात है. टेक हिम इनटू द किचन, मिस्टर फिट्ज़वॉरेन ऑर्डर्ड द कुक. सॉरी मैं उल्टा बोल गया यहाँ पे. फिट्ज़वॉरेन वॉज द पर्सन एक्चुअली ऑर्डर द कुक. नाउ फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम. ओके, उसको खाना दो और फिर उसके बाद काम दे दो. सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग.
ही हॅड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द अटिक टू स्लीप इट. आवाज बंद ठेवायचा आहे जयेश, सॉरी लिथ्वी, लिथ्वी म्यूट युअर साऊंड. And his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. Uska bhi do difficulties fir bhi the, usko kitchen mein kaam karne ko liye wo uske sath kaam kar raha tha kitchen mein. The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. At night they scampered all over him and kept him awake. After a time he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. To wo jahan pe reh raha tha na wahan pe bahut sare chuhe the. Okay, to usne kya kiya, chote kuch dino ke baad khareed li aur cat ki wajah se pure wo chuhe the wo chuhe wahan se bhag gaye. The other difficulty, or a difficulty kya thi, which was not so easy to overcome, was the cook's bad temper. Jo cook tha na, wo bad temper tha. Kabhi uspe chillata tha, vagera vagera. She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could. Wo kaam karta lekin wo usko maarti rehti thi, aise hi usko bichare ko maarti rehti thi. Wo bahut pareshan ho gaya tha usse kya karna uske liye. Yes. So one night, what happened? See. Yes. So what happened one night? Dick decided he could stand it no more. Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. The two of them walked as far as Holloway. On their way out of London, the Dick sat down on a stone to rest. It was the November, 1st November, All Saints Day, and the church bell were ringing. As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out of a message for him. So, kya hua dekho, wo chala gaya waase, nikal gaya, jalo yaar, ye to hamesha marti rehti, to main ja raha hu. To ja raha waase, ruk gaya, wahan pe bell baj rahe the, churches mein. Turn again, Whittington, though was the citizen, Lord Mayor of London. Lord Mayor of London, said Dick, I should like to be a Lord Mayor and ride in a fine coach. I can put up with a few scoldings from the cook if that it is what is in the store for me. So Dick and his cat retracted their steps to Mr. Fitzwarren house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed. वो चले गए थे, फिर भी उन्होंने देखा कि चल वापस आ जा, ऐसे कुछ चल गाना उसने सुना, तो मैं वो बोला मैं भी मेयर बनना चाहता हूँ, तो फिर चलो जाए यार, वो चिल्लाती है तो चिल्लाने दो, मैं तो जाऊंगा फिर से. वो दोनों फिर से चले गए और चुपचाप जाके अंदर फिर से सो गए वो उसकी नींद होने से पहले. नाउ मिस्टर फिट्ज़वॉरेन यूज्ड टू सेंड शिप्स फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज. ही वुड लोड अ शिप विद गुड्स फॉर द कैप्टन and ships crew to sell in far away places, and then they would bring back goods that could be sold at home. Wo shipping ka business karte the, trade karte the, business karta tha uska jo Fitzwarren tha wo, right? So one day what happened, one day he called his household together. I'm sending a ship to the African coast to trade, he said. Would any of you like to send something of yours on it? You can then share in the profits if the voyage is successful. Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. Have you nothing of your own, Dick? Asked Mr. Fitzwarren kindly. And Dick replied, only my cat. So, ek baar kya hua dekho? कि ये जो था Fitzwarren आज कि भाई मैं तो अफ्रीका में शिप भेज रहा हूँ, तो उसमें अगर आपको कुछ भेजना है तो भेजो, अगर ये एक सक्सेसफुल हुआ तो तुमको भी इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा. तो सबने कुछ ना कुछ दिया. डिक के पास कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ कैट थी. ओके, ही हैड ओनली अ कैट. ओके, देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, सेड मिस्टर Fitzwarren. हिज डॉटर Alice सेड, डिक लव्स हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम. But the father said, no, it must be his, not something belonging to someone else. Nahin, usko jo bhejna wahi bhejo, aap uske tarik, you cannot help him. Tumhe zara madad karai chhi, nahin. So Dick fetched his cat and said goodbye to it sadly. The captain of the ship was delighted for the cat that was an excellent mouser.
एंड सो ही हैड नो ट्रबल विद रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉयजर. मुझे कैप्टन था ना शिप का, उसको भी अच्छा लगा, चलो भाई एक कैट है शिप है तो हमें माउस जो भी है वो खाएगी, माइस खाएगी, रैट्स खाएगी, तो हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी. ही वाज वेरी हैप्पी. After what happened, after some months, the ship arrived at a place on the African coast, Barbary, where people called the Moors lived. Okay, वहाँ पे मूर नाम के लोग रहते थे. The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale and he was invited to palace to show them. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up and before captain's eyes ate all the food. तो वो वहां पे बात कर रहे थे राजा और ये जो कैप्टन था, तो कुछ खाने की डिशेज वगैरह रख दी, जैसे डिशेज रख दी वहां पे सब चूहे आ गए और वो चूहे फटाफट सब खा गए, चूहे आ गए वहां पे. देन द कैप्टन वाज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इफ दिस वाज द नॉर्मली हैपन, ये ऐसे होता है कि आपके यहाँ पे. अलास यस, द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट रीड ऑफ देम. क्या करे पता नहीं, ये जो माइस है ये इतने आते कि हम कुछ नहीं कर पा रहे. I think I may have the answer on my ship, said the captain. वो बोला चलो मेरे पास आंसर है इसका, क्या है, cat है. And he sent a message asking for Dick's cat to be brought to the palace. More food was laid out and the rats and the mice appeared as before. The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. Everyone was delighted and the queen asked, what do you call this animal? Actually, the animal was not known to them. Aur isko kya kehte hai? Tumhe jo animal hai usko kya kehte hai? Itna sara mice wo kha gayi, usko kya kehte hai? Puss is a name. Usko pussy cat kehte hai. Pata hoga aapko, aapne cartoon dekha ho to. Pussy is the name she answers to, said the captain. And then the queen calls puss puss. The cat went over her head and poor. The queen was a little alarmed at first, but she had seen how fiercely the cat had attacked the mice, rats. But the captain told her not to be anxious. कुछ tension मतलब वो आदमी के लिए अच्छी होती है. Puss is very friendly with people. वो लोगों के साथ अच्छी होती है, लेकिन खाती किसको है? चूहों को खाती है. He said and would soon rid your kingdom of rats and mice. कुछ दिनों में तुम्हारा पूरा जो kingdom है ये rat और mice से पूरा बच जाएगा. Free हो जाएगा. I would give great wealth to own this animal. मैं बहुत सारा पैसा दूंगी, मुझे ये animal चाहिए. I want this animal. So the captain began bargaining and it was agreed that the king would buy the whole cargo from the Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it. And for the cat alone, the king paid 10 times the sum again. उसने बोला चलो हम bargaining करेंगे, जो भी हमारे पास ship पे है वो सब आप ले लो, और जो भी कैट है कैट का प्राइस तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, 10 टाइम्स देना है, जो भी होगा उसके 10 टाइम्स देना है, राइट. सो व्हेन द शिप केम बैक टू द पोर्ट ऑफ लंदन, द कैप्टन शोड मिस्टर फिट्ज़वॉरेन द गोल्ड एंड ज्वेल्स ही हैड ब्रॉट फ्रॉम द बार्बरी एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट. द मर्चेंट सेंट फॉर द डिक फ्रॉम नाउ ऑन. द डिक इज सेड ही वुड ऑल सॉरी वी शुड कॉल हिम मिस्टर विटिंगटन फॉर यू आर अ रिच मैन. उसको क्या किया उसने, रिच मैन. Fitzwarren then paid him all the money the captain had received for the cat. From this time, the Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and three times though he was elected Lord Mayor of the London. He was also in the time knighted by the King and became Sir Richard Whittington. He was not only famous but he was popular too for he always helped the poor with his money. Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren the story of the cat and how the bells of the London had called him back when he was only a poor boy. He was only a poor boy. Turn again, Whittington. This was the poem. Though worthy netizen, sorry, citizen, Lord Mayor of London. इतना मस्त ये क्या था आपका poem था, sorry, lesson था. I think you can write question and answers. Question and answer आप लिख सकते हो. Easy है. फाइंड आउट सिर्फ अपना जो ये छोड़ दो क्या बोलते उसको, अगर ये भी आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये छोड़ दो अपना क्या बोलते उसको, लैंग्वेज स्टडी छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, राइट.